सरकार ने एटीएम और बैंकों से पैसा निकालने की सीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने नोटों की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा के बाद बैंकों को कुछ सुझाव दिए हैं। एटीएम से अब एक दिन में 2000 के बजाय 2500 रुपए निकाले जा सकेंगे। इसके अलावा बैंक से एक दिन में 4000 के बजाय 4500 रुपए आप बदल सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। बैंक से एक हफ्ते में पैसा निकालने की सीमा भी बढ़ाई गई है, 20000 से बढ़ाकर इसे 24000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 10000 रुपए की दैनिक सीमा खत्म कर दी गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 10 से 13 नवंबर के बीच 4 दिन में बैंकों में 500 और 1000 नोट से कुल 3,00,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। इस दौरान बैंकों और एटीएम से 50,000 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग अलग कतार लगवाने की सलाह भी दी है। इसके अलावा नकदी बदलने और खातों से पैसा निकालने डालने की कतार भी अलग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर ब्लैक मनी वालों को कड़ा संदेश उन्होंने दिया है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बेईमानों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। जिनके पास ये बेईमानी का है वो मान के चले कागज का टुकड़ा है, वो ज्यादा कोशिश ना करें, ज्यादा कोशिश ना करें, वरना सरकारी मैं इसके लिए अगर 1,00,000 नए लड़कों को नौकरी देनी पड़ी तो दूंगा और कोई इसी काम में लगाऊंगा। लेकिन देश को, देश में ये सारा कारोबार बंद चल रहा है, उसको बंद कर रहा है। प्रधानमंत्री गोवा में अपने भाषण के दौरान भावुक हो गए और कहा कि उन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप अपनी दुनिया में इतने मस्त थे कि और पॉलिटिकल पार्टी की तरह ये भी आकर के चला जाएगा, मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पास आने मेरे देशवासियों, मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि देश से करप्शन को हटाने के लिए नोटबंदी आखिरी कदम नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में कई और प्रोजेक्ट भी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार अब देश भर में बेनामी संपत्ति के खिलाफ हमला बोलने वाली है। हम जानते हैं, आपको भी पता है कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना। मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना। लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है फ्लैट खरीदा गोवा में, किसके नाम के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते कि नहीं खरीदते? लोग, हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 70 साल की बीमारी 17 महीने में मिटा दी। इन दिनों
बहुत लोगों की इस भ्रष्टाचार या काले धन के मुद्दे पर बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो भी बोला है पकड़ा जाता है। क्या कुछ भी दाम में काला है, हर कोई हंसते हुए चेहरे बोल रहा है नहीं मोदी जी ने अच्छा किया। फिर किसी दोस्त को फोन करता है, यह तो रास्ता है, तो वो कहता है यार मोदी जी है सारे रास्ते बंद कर दिए। प्रधानमंत्री ने जनता से 50 दिनों की मोहलत मांगी है और कहा है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो मैं आपके दिए हर सजा को झेलने के लिए तैयार हूं। पीएम ने डीमोनेटाइजेशन पर लोगों का समर्थन मांगा और कहा कि सीक्रेट मिशन पर हम 10 महीने से काम कर रहे थे। हमने एक बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन वाला तो मैं नहीं कर सकता। 10 महीने से काम पे लगा रहा, एक छोटी विश्वस्त टोली बनाई, क्योंकि इतनी नई नोटें छापना, नोटें पहुंचाना बड़ा कठिन, चीजें छिपाना सीक्रेट रखना, वरना ये लोग ऐसे होते साहब पता चल जाए तो साहब अपना कर लेंगे। और 8 तारीख रात 8 बजे देश का सितारा चमकाने के लिए एक नया कदम उठा लिया दोस्त। और मैंने उस रात को भी कहा था कि इस निर्णय से तकलीफ होगी, असुविधा होगी, कठिनाइयां होगी, ये मैंने पहले दिन कहा। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज देश के उन करोड़ों लोगों के सामने सर झुकाता हूं कि सिनेमा के थिएटर पर लाइन लगाते हैं ना, वहां भी झगड़ा हो जाता है। मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिन से हजारों लोग पैसों के लिए कतार खड़ा के गए हैं, लेकिन हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही है कि ठीक है मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन काले धन पर पीएम मोदी ने विरोधियों को कड़ा संदेश दिया। मोदी ने बिना किसी का नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि घोटाला करने वालों को 4,000 के लिए लाइन में लगना पड़ता है। और आपने देखा कैसे कैसे लोग 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना आज 4,000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। पीएम ने गोवा के बाद आज कर्नाटक के बेलगाम में भी एक जनसभा को संबोधित किया और बेलगाम की जनसभा में भी पीएम मोदी ने काले धन वालों पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे लोगों को सरकार कभी बख्शने वाली नहीं है। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी गरीबों का अपमान कर रहे हैं, साथ ही लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। एक तो भावुकता का नाटक कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गरीब का अपमान कर रहे हैं। क्या जो करोड़ों भारतवासी 3 दिन से कतारों में हैं, जो सो नहीं रहे, बैठ नहीं रहे, खा नहीं रहे, जो लाखों सरकारी कर्मचारी और जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं, जो सब कामकाज छोड़कर कतारों में खड़े हैं, क्या वो घोटाले वाले लोग हैं, वो काले धन के व्यापारी हैं? प्रधानमंत्री को संतुलित बात कहनी चाहिए। और सीपीएम नेता निलोत्पल बसु ने कहा है कि 50 दिन का समय मांगकर पीएम मोदी लोगों को बरगला रहे हैं। मेरे ख्याल में वो थोड़ा भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। एक तो देखिए, काला धन कोई घर में नहीं रखता है ज्यादातर। दूसरा है, काला धन भी आपके बाजार में घूम रहा है, सर्कुलेशन में है, तो इसीलिए इसको ढूंढ निकालना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना
इस पद्धति से नहीं होता। मैं आपको पीएम के भाषण का राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने स्वागत किया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लोगों से अपील की है कि नोटबंदी को लेकर उठाए जा रहे कदम के लिए प्रधानमंत्री को और वक्त दें। जब से वो आए हैं 2 साल में, ये शायद उस वक्त की परिकल्पना उनके दिमाग में थी जो उन्होंने 8 नवंबर को की। उससे पहले उन्होंने जनधन योजना लाई, उसके बाद आधार कार्ड और सब चीज़ों को लिंक किया, करोड़ों खाते नए बैंकों के खुले, लोगों का स्वाभिमान जगा। आज जैसा कि मैंने 8 तारीख को रात को ही कहा था कुछ दर्शकों से कि इसके दूरगामी परिणाम इतने अच्छे होंगे जिससे कि सामाजिक आर्थिक हर प्रकार की लाभ हम सबको मिलेगा। केवल देश की इकोनॉमी जब सुधरेगी, आपकी भी सुधरेगी, मेरी भी सुधरेगी। मैं ये आज देख सकता हूँ कि जो मोदी जी का सपना कि 2 डिजिट जीडीपी ग्रोथ हर साल होना ही चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2018-19 में ही हमारा जीडीपी 10% से बढ़ेगा। मैं इस बात की देख सकता हूँ, इस बात को मैं देख सकता हूँ। मुझे ये भी पता है कि बहुत से लोग जो मेरे विरोध में हैं वो ये भी कहेंगे कि मैं शायद चटुकारिता कर रहा हूँ मोदी जी, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो सही जानते हैं कि मैं जो अंदर हूँ वो बाहर हूँ। जिस दिन मुझे मोदी जी की कोई बात नहीं पसंद आएगी तो मैं उसका विरोध भी करने में हिचकिचाऊंगा नहीं, और पीछे भी इन पिछले 2 सालों में हम हिचकिचाए नहीं हैं। लेकिन लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, सुभाष चंद्रा केवल चटुकारिता करता है, ऐसा कुछ नहीं। पिछले भी दिनों सोशल मीडिया पर भी चला और आज भी मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे आज के दिन आ रहा है ये सब पेड लोगों के द्वारा गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसको मत देखिए, उन पे मत यकीन करिए। जो लोग लाइन में लगे हैं उसमें से 70-80% लोग केवल 10% कटौती जितने पैसे जमा करा के चेंज करा के लाएंगे उनको मिल रहा है। पैसे वाले लोगों के लोग लगे हुए हैं लंबी से लंबी लाइन में, अपोजिशन के लोग लगाना चाह रहे हैं ताकि वो मीडिया के लिए खबर बने। मीडिया के लोगों से भी प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के कि यार कभी तो छोड़ दो, 2 हफ्ते तो छोड़ दो, 15 दिन तो छोड़ दो, कुछ पॉजिटिविटी ले आओ अपने मीडिया में। ज़्यादा बहुत ना कहते हुए प्लीज़ बेयर पेशेंस रखिए। योग गुरु रामदेव ने कहा है कि ये बात सच है कि नोट बदलने को लेकर बैंकों की सुविधाओं में कमी हो रही है, लेकिन काले धन से निपटने के लिए मोदी सरकार की ये पहल न सिर्फ देश हित में है बल्कि बहुत अच्छा फैसला है। योग गुरु ने ये भी कहा कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए आम लोगों को कुछ परेशानी तो सहनी ही पड़ेगी। काला धन, काले धंधे, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद और सबसे बड़ी बात नकली करेंसी, इन आर्थिक चुनौतियों, आर्थिक अपराध और जितने भी इलीगल एक्टिविटीज है, अनअकाउंटेड मनी है, उस सब के ऊपर एक साथ वार और प्रहार किया मोदी जी ने बड़े नोट वापस लेकर के, जो हमने बहुत अरसे से पूरे देश। पीएम मोदी के भाषण की नागपुर के लोगों ने जमकर तारीफ की, लोगों ने मोदी सरकार के इस कदम की सराहना की है। नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं बिल्कुल एकदम सही कर रहे हैं और हम उनके साथ में हैं, जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही डिसीजन है उनका। मैं इतना ही कहना चाहूंगा मोदी जी, आप भावुक ना हो, हम आपके साथ हैं, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, पूरी दुनिया आपके साथ में, देश की जनता आपके साथ है, इन्होंने जो किया वो सही किया, आम जनता आपके साथ है। जो लोग चोर है, जो लोग भ्रष्ट है, जिन्होंने पैसा जमा करके रखा है, वो लोग डरेंगे। तो लोगों ने मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने देश के हित के लिए ये कदम उठाए।
तो सबके भलाई के लिए कदम उठाए हैं, तो बहुत ही अच्छा किया। थोड़ी तकलीफ हो रही लोगों को, पर बहुत ही अच्छी है ये बात। ब्लैक मनी पर गठित एसआईटी के चेयरमैन जस्टिस एमबी शाह ने सरकार को सुझाव दिया है कि कैश होल्डिंग पर लिमिट लगाई जाए और बैंक बड़े कैश डिपॉजिट की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दें। साथ ही जस्टिस शाह ने ये सुझाव दिया है कि बैंकों में जमा कराए जा रहे ज्वेलर्स के पैसों का मिलान उनकी सेल और गहने खरीदने वालों के पैन कार्ड के साथ होना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखी चिट्ठी में एसआईटी चेयरमैन जस्टिस एमबी शाह और उपाध्यक्ष अरिजीत पसायत ने सरकार के कदम की सराहना करते हुए कहा कि अगर कैश होल्डिंग पर लिमिट नहीं लगाई गई तो डीमोनेटाइजेशन के फैसले का फायदा नहीं होगा। और जाने माने टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन का यह कहना है कि अगर आप बैंकों में कैश जमा करते हैं और उस पर टैक्स चुकाते हैं और फिर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसका खुलासा करते हैं तो इस पर पेनाल्टी नहीं लगेगी, लेकिन इसकी शर्त यह है कि ये इनकम आउट रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग के तहत नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने गोवा को आज 2 सौगात दी। पीएम ने मोपा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और तुएम में इलेक्ट्रिक सिटी की आधारशिला रखी। दोनों ही परियोजनाओं की शुरुआत पर पीएम ने कहा कि इससे अटल बिहारी वाजपेयी का सपना सच होगा और राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में इजाफा होगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि जिस तरह से अकबर के मंत्रिमंडल में नवरत्न थे, ठीक उसी तरह से उनकी सरकार में पर्रिकर भी नवरत्नों में शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 7 बजे होने वाली बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र के मुद्दों पर चर्चा होगी। संसद के सत्र के दौरान नोटबंदी का मुद्दा छाए रहने की संभावना है। सरकार जहां इसके लिए क्रेडिट लेना चाहेगी, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद की तरफ से नोटबंदी का मुद्दा उठाने का नोटिस दे दिया गया है। दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक और जम्मू कश्मीर में हिंसा के मुद्दे पर भी संसद में गर्मा गर्म बहस होने की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तराखंड में परिवर्तन रथ को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के एटीएम पहुंचने की घटना का जिक्र किया और कहा कि 4 करोड़ की गाड़ी में बैठकर 4 करोड़ की गाड़ी लेकर 4,000 बैंक के एटीएम से नोट निकालने जाते हैं, ये तमाशा बंद होना चाहिए। शाह ने कहा कि इस देश के अर्थतंत्र को मोदी जी ने एक नई मजबूती दी है। शाह ने लोगों को परेशानी पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का कष्ट बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता का दर्द है। शाह ने कहा कि उत्तराखंड सेना के जवानों का घर है। ओआरओपी पर शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्हें देश के सैनिकों की याद क्यों नहीं आई, जबकि मोदी सरकार ने 5500 करोड़ रुपया सैनिकों के खातों में भेजा है। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव समेत पार्टी के सभी नेता मौजूद रहे। बैठक में नोटबंदी को लेकर चर्चा हुई, साथ ही कई अन्य मुद्दों को भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने ये कहा है कि वो अगले महीने से शुरू होने वाले सिविल सर्विस मेन एग्जाम के लिए पेपर एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसके लिए ई एडमिट कार्ड अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। कमीशन के अधिकारियों के मुताबिक अभ्यर्थी इसे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर कोई समस्या हो तो अभ्यर्थी यूपीएससी के काउंटर पर जा सकते हैं या फिर फोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, जो फोन नंबर हैं 011-23-38-1125 और 23-09-8543। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दामाद इमरान को घरेलू हिंसा के केस में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने शीला दीक्षित के दामाद इमरान को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया, बाद में उन्हें पुलिस दिल्ली लेकर आई। शीला की बेटी लतिका ने जून महीने में दिल्ली के बाराखंबा थाने में अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा और सामान चुराने का केस दर्ज करवाया था। कैश के लिए एटीएम और बैंक के बाहर मारामारी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक मनी भी अब निकलकर सामने आ रही है। नोटों को फेंकने, जलाने या फिर नदी में बहाने के मामले सामने आ रहे हैं। और इसी तरह छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की गाड़ी में नोटों से भरा बैग मिला है। बैग में 500 और 1000 के नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। पंजाब पुलिस ने मनसा के
सारदुलगढ़ इलाके में एक गाड़ी से 500 और 1000 रुपए के 1 करोड़ नोट बरामद किए हैं। ये सभी नोट 500 और 1000 रुपए के थे। मध्य प्रदेश के रतलाम में उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि सूबे में अगले सत्र से यूनिवर्सिटीज में दीक्षांत समारोह भारतीय वेशभूषा में ही होंगे। उन्होंने कहा कि गाउन के रूप में अंग्रेज अपनी गुलामी की निशानी भारत छोड़ गए थे और आजादी के 70 साल बाद भी हम गाउन के लबादे को ओढ़े चले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा की लोक अदालत में एक अनोखा मंजर देखने को मिला, जहां तलाक के लिए कोर्ट पहुंचे दंपति ने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। मामला खंडवा के सैयदपुर का है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा पर पलटवार किया है। साइरस मिस्त्री ने कहा है कि टाटा ग्रुप को मजबूत कॉरपोरेट गवर्नेंस की जरूरत है, जो कि प्रोमोटर्स और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हित में संतुलन रख सके। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी वाशिंगटन में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के बाहर कैंडल लाइट मार्च निकाला।